21 अगस्त 2024 को यानी आज पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया है। यह विरोध सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है जिसे ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में लिए गए कोर्ट के निर्णय के खिलाफ बताया गया है। इसको देखते हुए पूरे भारत में सभी दुकानें, बाजार, सार्वजनिक सेवाएं और अन्य सुविधाओं को बंद करने का आह्वान किया गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर क्या वजह है जिस वजह से भारत बंद का ऐलान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से नौकरियों में आरक्षण देने के लिए SC/ST वर्ग को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन दिए जाने की मांग का मामला लंबे चल रहा था। SC ने 1 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया। यूं कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया और पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 और तमिलनाडु अरंथितियार अधिनियम पर अपनी मुहर लगा दी और कोटा के अंदर सब कैटेगरी में रिजर्वेशन को मंजूरी दे दी। भारत बंद की प्रमुख वजह या कारण की बात करें तो आपको बता दें कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ लिया गया है जिसमें कोर्ट की ओर से SC और ST श्रेणी में क्रीम लेयर को आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जिन लोगों को इस श्रेणी में आवश्यकता है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। इस पर विपक्षी पार्टियों ने इसे इंदिरा साहनी मामले में 9 सदस्यीय पीठ द्वारा आरक्षण पर दिए गए निर्णय के खिलाफ बताया है जिससे आरक्षण की नींव पड़ी। वहीं विपक्षी संगठनों के मुताबिक यह फैसला ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में 9 जजों की पीठ के निर्णय को कमजोर करता है जिससे भारत में आरक्षण की रूपरेखा स्थापित की गई थी। विपक्षी पार्टियों का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा क्योंकि यह पहले से लागू आरक्षण में विशेष आरक्षण है। ऐसे में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया है। साथ ही यह मुद्दा अब राजनीतिक दिशा में बढ़ गया है जिसके तहत विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसका विरोध जताया जा रहा है। अब बात आती है कि भारत बंद का समर्थन कौन कौन सी पार्टियां कर रही हैं। तो आपको बता दें कि इसमें प्रमुख रूप से बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आजाद समाज पार्टी और अन्य संगठन शामिल हैं। साथ ही कुछ जगहों पर धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस का लाठी चार्ज भी देखा गया है। इस कड़ी में सभी अस्पताल, एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं शुरू हैं। वहीं सभी सरकारी बैंक और सरकारी दफ्तर भी खुले रहेंगे। किसी भी देश में अगर धरना प्रदर्शन या हड़ताल होती है तो उसका असर सुविधाओं पर भी पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि भारत बंद पर किन सुविधाओं पर असर पड़ेगा। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सार्वजनिक परिवहन सेवाओं और कुछ निजी दफ्तरों पर इसका असर देखा जा सकता है। साथ ही स्थानीय स्तर पर कुछ दुकानों पर भी इसका असर देखा जा सकता है। अर्थ प्रकाश के इस विशेष रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है यह कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी के साथ।